आगरा के थाना मंटोला के कंगाल पाड़ा में बच्चों के मामूली विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों सहित कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। दरअसल घटना देर शाम की है, जब बच्चों के मामूली विवाद में दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। पथराव से इलाके में भागदौड़ मच गई। पथराव के दौरान क्षेत्र में खड़ी चार पहिया गाड़ी का भी शीशा टूट गया। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। दो बच्चों के विवाद का मामला है और उसमें कुछ शरारती तत्व इस मामले में सम्मिलित हुए हैं। हम और डीएम साहब तुरंत मौके पर आ गए हैं और सारी फोर्स आ गई है, सारे मजिस्ट्रेट आ गए हैं। कहीं कोई बात नहीं है, कोई अब विवाद नहीं है, कोई घायल नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इस तरह का प्रयास किया है उनको हम लोग बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, कुछ आंशिक कुछ दो चार बच्चों ने आपस में वो किया है। मैंने कहा कि जिन्होंने भी इस तरह का कुत्सित प्रयास किया है उनको हम लोग बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें। क्या वजह रही है सर? ये बच्चों का विवाद है आपस का। ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।